नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। पहले चरण के लिए कल से नामांकन भी शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं पहले चरण में उस पर क्या समीकरण बनेंगे वो हम आज पर बात करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह है अरुण चौबे सर, संपादक हैं india.com के। और इसके अलावा सर, आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई आरोप लगाए सरकार पर, मोदी सरकार पर, उसे लेकर भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव को लेकर, क्या समीकरण बनेंगे सर? धन्यवाद नरेश जी। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में आप देखेंगे कि 8 सीट महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सहारनपुर है, कैरना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर है जी। रामपुर है और उसके अलावा एक पीलीभीत सीट, पीलीभीत जो बहुत सुर्खियों में है, बहुत सुर्खियों में है आजकल जी। तो इन सब सीटों पे आप देखेंगे कि यहाँ पर का कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि ये इसमें कुछ सीट जाट डोमिनेटेड है और उसके साथ में वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जी, मुस्लिम दलित, तो ये पहले ये सीट जो है, ये सारी लोकसभा सीट जो है इसमें कुछ सीट पे जो है बीएसपी डोमिनेट किया करती थी। और आप देखेंगे बीएसपी ने इसमें से जो है, जैसे बिजनौर की सीट है, सहारनपुर की सीट है, इस पे पिछली बार जब समाजवादी पार्टी के साथ में बीएसपी ने अलायंस किया था तो इन दोनों जगहों पे जीती हुई थी। उसका कारण ये था कि इन सब सीट्स पे जो जाट के अलावा दलित वोट बैंक जबरदस्त है। आप अगर एक सीट बिजनौर का एग्जांपल लें तो बिजनौर में आप देखेंगे कि तकरीबन वहाँ 20% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है प्लस 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन, ये जो कॉम्बिनेशन समाजवादी और उनका जो अलायंस हुआ था, इस कॉम्बिनेशन के दम पर बीएसपी ने ये सीट जीती थी और बीजेपी को हराया था। जबकि उसके पहले जो है बीजेपी ने वहाँ पर जो है 2014 में जीत हासिल की थी। लेकिन सर, ये जो सीटें हैं इसमें जब अगर हम सपा की बात करें और बसपा की बात करें, जब वो अकेले चुनाव लड़ा करती थी, जब उनका जो प्रभुत्व था बहुत अच्छा था इन यूपी में, तो तब सपा आई तो सपा के लिए मुस्लिम वोट भी उनकी ओर गया, दलित वोट भी उनके साथ गया। बसपा आई तो बसपा के साथ तो दलित वोट हमेशा से था, लेकिन अचानक से बीजेपी आई और सारे वोट कन्वर्ट हो गए, कैसे? देखिए, बीजेपी के साथ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि बीजेपी ने जो है उस कास्ट अलायंस के साथ जो है अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने जो है जो हिंदुत्व के नारे के साथ में पूरे जो पूरा जो एसिमिलेट कर लिया, जो कंबाइन कर लिया जो हिंदू वोट बैंक है, और उनकी जो जिस तरह से प्लानिंग है, चाहे वो राम मंदिर का इमोशनल मुद्दा हो, तो इस इमोशनल मुद्दे में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। पूरा का पूरा हिंदू जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होता है वहाँ, फिर ये जाति वाला बैरियर खत्म होता है। वो अलग बात है कि हर सीट पे जो है जातिगत समीकरण बनते ही हैं, खासतौर पर यूपी में तो बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में और बिहार का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन इन वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे कि जाटों की प्रभुता है जी, जाट लोग काफी कई सीट्स पे नगीना हो। लेकिन इस बार से जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया, तो उसके बाद आरएलडी का बीजेपी के साथ आना, ये तो जी जी जी, ये बीजेपी के लिए, ये बीजेपी ने जो है एक पॉजिटिव स्टेप लिया, दो सीट उनको दी है जी। अजीत सिंह के बेटे हैं जो जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी को दो सीट दी है, एक बिजनौर सीट दी है, दूसरी जो है उन्होंने बागपत सीट दी है। बागपत सीट इसमें नहीं है फर्स्ट फेज में, लेकिन जो बिजनौर सीट आती है, बिजनौर को मैंने अभी बताया कि वहाँ 40% मुसलमान है, लेकिन वहां पर दलित पॉपुलेशन है और जाट वहां पर जो, तो यादव तो नहीं ना सर सीट में, एमवाई कॉम्बिनेशन जो अखिलेश यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम, वेस्टर्न यूपी का कॉम्बिनेशन जो है एमवाई नहीं चलता, नहीं चलेगा। वेस्टर्न यूपी में जो है आप देखेंगे कि जो जाट वोट बैंक है उसके साथ दलित है और उसके साथ मुसलमान पॉपुलेशन है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वहाँ डिसाइडिंग है। और आपने बीजेपी का अगर देखा होगा तो जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है उसमें उन्होंने कास्ट को जो है, कास्ट वाला जो बैरियर है उसको खत्म किया है, जो गरीब है उसको उसी ढंग से सुविधा मिल रही है, तो वो बैरियर वहाँ रूरल एरिया में खत्म होता है। क्योंकि एक अभी इसी बिजनौर की ही सीट की बात करें तो वहाँ जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन मोर देन 70% है, तो रूरल एरियाज में जो गरीबी ज्यादा है और वहाँ पर अगर आप लोगों को जो है इस तरीके से जो दे रहे हैं सुविधाएं, लोगों को यही चाहिए कि राशन कितना मिल रहा है, गैस कितने की हो गई है, मतलब जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपने कहा सड़क की सुविधा हो, गांव तक जाने का संपर्क मार्ग मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन। वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे कि जो 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 क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मुरादाबाद खासतौर पर, रामपुर की बात करें, मुरादाबाद तो की बात करें, इस तरह की चीजों पे भी गैप वो बैन हुआ है। क्योंकि जो जिस तरह से सरकार सख्ती से निपट रही है तो उसकी वजह से जो आम आदमी जो है उनका जीवन थोड़ा सहज हुआ है, क्योंकि उन्हें जो है किसी बिना किसी वजह से प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सर, मेरे को ऐसा लगता है कि पिछली बार जो सपा बसपा का गठबंधन था उसकी वजह से 8-10 सीटें बसपा के खाते में गई, बीजेपी को थोड़ा सा
उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा साथ में है, बसपा अलग से चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ अलायंस में नहीं है, तो इन दोनों के वोट तो पिछले बार एक थे लेकिन इस बार तो अलग अलग हो जाएंगे, तो बीजेपी को फायदा होना है। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था। अगर इस बार जैसा कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक चाह रहा था, कोशिश कर रहा था अपोजिशन यूनिटी को लेकर, तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों मिलके चुनाव, साथ में जो छोटे पार्टनर है अलायंस पार्टनर, सबको मिला के लड़ा जाए। तो बीएसपी के साथ समझौता नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। पिछली बार जो 2019 में समझौता था बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, तो बीएसपी ने एलिगेशन ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी के वोट ट्रांसफर, लेकिन फायदा तो फिर भी सर बसपा को ही हुआ। बीएसपी ने 10 सीट जीती थी लोकसभा सीट, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी, तो फायदा तो देखा जाए कि बसपा को ज्यादा हुआ था। लेकिन इस बार कोई भी कारण रहा हो, या यूं कहिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अकेले चलने की जो का निर्णय लिया, उसके कुछ और बिल्कुल इनहेरेंट रीजन हो सकते हैं। इन सब में एक ऐसी सीट है जहां पर कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा, वो है रामपुर की सीट, आजम खान की सीट। वो आजम खान का गढ़ माना जाता था, उस सीट को सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने एक तरीके से धराशायी कर दिया उनको। वहां पर आप देखेंगे कि उनका इसमें कोई शक नहीं है कि रामपुर में जो है एक तरह से जो आजम खान की सत्ता चलती थी, लेकिन वहां पर यह भी एलिगेशन लगता था कि वो किसी तरह से दबाव के तहत जो है जितवाते थे। अब उन पे केसेस भी चल रहे हैं, उनके परिवार वालों पे, उनके बेटे पे, जमीन का मसला है, यूनिवर्सिटी का मसला है, बहुत सारे मसले तो भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात, समाजवादी पार्टी के दौरान वो दूसरे नंबर के नेता मुलायम सिंह जी के साथ बाद में वो रहा करते थे, और चूंकि समाजवादी पार्टी का मेजर अलायंस MY फैक्टर हुआ करता था, मुस्लिम और यादव फैक्टर, तो वेस्टर्न यूपी के इस सब सीट में वो डोमिनेट करते थे और वो एक डिसीजन मेकर भी हुआ करते थे। और उसके साथ में जो आप देखें कि जो रामपुर की बात कही, तो वहां पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी हैं। लोधी जो है ओबीसी कास्ट है, लोधी कास्ट से। आपको याद होगा कि जो बीजेपी के जो पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह, वो भी लोध कास्ट से आया करते थे। लोध कास्ट जो है वेस्टर्न यूपी में और उसके आसपास के एरियाज में जो है तकरीबन उनका भी वोट प्रतिशत 5-7% जो है उन सब एरियाज में रहता है, तो लोग जहां पर भी हैं वो लोग भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ओबीसी फैक्टर भी वहां पर मुस्लिम फैक्टर के अलावा काम करता है। बिल्कुल सर, इसके बाद एक बड़ी सीट आती है पीलीभीत की, क्योंकि वरुण गांधी को लेकर बड़ी चर्चा है इस सीट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अब चुनाव जो है 18 अप्रैल पहले चरण में चुनाव होना है, और बहुत कम समय बचा हुआ है, और अभी तक बीजेपी ने वहां पर कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया है। तो अगर ऐसे में अगर टिकट कटता है, वरुण गांधी का नया कैंडिडेट आता है, तो ये तो बड़ा मुश्किल रहेगा प्रचार के लिए वरुण गांधी के लिए। हाँ, ये बात आप सही करें, क्योंकि अगर फर्स्ट फेज में चुनाव होना है तो बहुत कम समय है, और उसके लिए जिस तरह से बीजेपी ने नेम डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। और जैसा कि कल खबरें भी आ रही थी कि उन्होंने जो है बैलेट अपने जो है चार नामांकन पत्र खरीदवा लिए, खरीद लिया है, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाएं, या किसी तरह से बाद में जो समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया हो सकता है। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा कर दिया है। अब सर थोड़ा सा कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई आरोप लगाए, लेकिन सबसे जो बड़ा आरोप मेरे को जो लगा उसमें से, सोनिया गांधी ने जो बातचीत की कि कांग्रेस को वित्तीय तौर पर कमजोर करने की कोशिश हो रही है, सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया, क्या कहते हैं वो? एक्चुअली वो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जो कांग्रेस का जो है इनकम टैक्स न पे करने की वजह से उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया सरकार ने। वो फ्रीज कर दिया है उनके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर का जो बकाया था, और चूंकि वो चुनाव के एंड पहले हो गया है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो है ये विक्टिमाइजेशन का जो आरोप लगाया जाए, तो ये उन लोगों की, मुझे तो ऐसा लग रहा था चुनावी चंदे को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका संकेत था कि हमें चंदा कम मिला, इस तरीके की बातें भी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा भी, उन्होंने कहा कि 56% जो है जो पैसा जो है रूलिंग पार्टी की तरफ गया, हमारे पास सिर्फ 11% आया है। तो उसके कारण ऑब्वियस है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास में चंदा ज्यादा आता है। कांग्रेस पावर में होती तो कांग्रेस पास में लायंस शेयर आता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि एक तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो ये भाई राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि भाई उनके उनके कई नेता जो है किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, इवन कोर्ट केस में तो सोनिया गांधी के खिलाफ भी और राहुल गांधी के खिलाफ भी जो पुराना उनका मामला है उसमें लोग फंसे हुए हैं। तो ये सब बातें तो राजनीति में चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद में जब राहुल गांधी बाहर आए
तो उनसे फिर लोगों ने पूछा जी। तो उनसे पूछा तो उन्होंने वो शक्ति वाले स्टेटमेंट पे जो घेरा गया है, बीजेपी ने उनको घेर लिया है, तो उस पे उन्होंने शायद उनके सलाहकारों ने अच्छी बात कही, उन्होंने गीता वाली बात रेफरेंस लेके कहा कि हम लोग असुर शक्तियों से लड़ रहे हैं जी। क्योंकि गीता में भी दैव शक्ति और असुर शक्ति की बात आती है जो कि निहित होती है हर एक व्यक्ति में, तो उन्होंने कहा हम लोग असुर शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है आजकल। तो कुल मिलाकर सर जो पहले चरण का मतदान होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें तो सपा और बीजेपी का ही हम कह सकते हैं कि उनके बीच में टक्कर देखने को मिलेगी, हालांकि सपा अलायंस में है कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस में है। यहाँ पर सर बसपा की क्या भूमिका रहेगी? बसपा ने जिस तरह से एकला चलो का नारा दिया, किसी जमाने में उनके पास 20% वोट बैंक हुआ करता था जो कि ज्यादातर खिसक गया है। आगरा के आसपास के रीजन में देखिए, वहां पर जो है आगरा से ही बघेल साहब जीत रहे हैं, जबकि वो परंपरागत तरीके से देखा जाए तो बीएसपी जीतती थी। इन्हीं सब सीट्स में आप देखेंगे बिजनौर की सीट और सहारनपुर की सीट, ये सब सीट और जो आप देखेंगे कि आसपास की सीट्स हैं, यही सीट फंस जाएगी क्योंकि इस बार जो है आरएलडी के साथ जो अलायंस हुआ है बीजेपी का, उसमें जाट वोट बैंक उधर खिसकेगा और मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होके जो है जो पावरफुल होगा उसकी तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है तो वो अपना वोट मुस्लिम जनमानस में ये फीलिंग है और वो लोग अपना वोट जो है स्पॉयल नहीं करते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से वोटिंग करते हैं, ये पिछले चुनाव में देखा गया है। तो वो बीएसपी को देकर अपना वोट स्पॉयल नहीं करेंगे। कोई मिलाकर सीधी टक्कर यहाँ पर बसपा और सपा और बीजेपी के बीच में हो? नहीं, वो मतलब आप अलायंस की बात कर सकते हैं, समाजवादी कांग्रेस और उसके साथ में जो अलायंस में लोग हैं, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस रहेगा। जी हाँ जी हाँ, उसमें जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव को लेकर हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होगा। उसके बाद जब नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या रहेंगे उसका हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार जरूर कीजिए। आज की चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही रोजाना जुड़े रहें हमारे खास कार्यक्रम पोल पंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।